अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है अरबी गोश्त की। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दें। ये मेरे पास तकरीबन हाफ़ के जी यानी आधा किलो अरबी है और इसको छीलने के बाद मैंने नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया है। मटन में इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ के जी आधा किलो। लहसुन और अदरक इस्तेमाल कर रही हूँ, एक टेबल स्पून इसमें मैं लहसुन इस्तेमाल कर रही हूँ और एक टेबल स्पून इसमें मैं अदरक इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़ीरा इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। जायफल और जावित्री का पाउडर मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। 2 अदद इसमें मैं बड़ी इलायची इस्तेमाल कर रही हूँ और 2 से 3 अदद जो है मैं इसमें दालचीनी की स्टिक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। प्याज इसके अंदर मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ का, 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं और 3 अदद मैं इसमें हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रही हूँ। स्पाइसेस में हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून, लाल मिर्च मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून यूज़ करूँगी, 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक इस्तेमाल करूँगी और गरम मसाला इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी। स्पाइसेस आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको ऑलिव ऑयल में तैयार कर रही हूँ। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। कुकर में सबसे पहले हम मटन शामिल कर देंगे, इसमें प्याज ऐड कर देंगे, टमाटर ऐड कर देंगे, लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे, इसमें अब हम नमक ऐड कर देंगे, साथ ही इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे, पानी शामिल कर देंगे। मैं तकरीबन इसके अंदर 1 कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। साबित गरम मसाले इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं पानी उबलना शुरू हो चुका है। अब हम कुकर को बंद कर देंगे। हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए प्रेशर पर रखेंगे। मटन को प्रेशर पर रखे तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है, आप देख सकते हैं मटन भी पक चुके तैयार है। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। मटन की भुनाई करते हुए अब हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, जायफल और जावित्री का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे और इसको अब अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। मैंने अभी तक इसमें ऑयल ऐड नहीं किया, पहले हम इसको इसके पानी में ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप देख सकते हैं पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। दरमियानी आंच पे अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। मटन की भुनाई हमने अच्छे तरीके से कर ली है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना अच्छा कलर भी आ चुका है। अब हम इसमें अरबी शामिल कर देंगे। अरबी को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अरबी शामिल करने के बाद हम इसको दोबारा अच्छे तरीके से भून लेंगे। अरबी और गोश्त को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसे पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी ऐड किया है, यानी 1/4 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि अरबी अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाए। अरबी को 10 मिनट दम पे रखने के बाद अब हम इसमें गरम मसाला शामिल कर देंगे और इसमें हरी मिर्चें हम शामिल कर देंगे, हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार अरबी गोश्त बनके हमारा तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।